चंद्रयान 2 से संपर्क की कोशिशों में लगे इसरो की ओर से एक नई खबर सामने आई है। इसरो ने कहा कि आज विक्रम से संपर्क हो सकता है और अच्छी खबर आ सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्रोब मिशन मंगलवार को चांद के उस हिस्से के ऊपर से गुजरेगा जहां पर विक्रम पड़ा हुआ है। विक्रम चांद की सतह पर अपने उतरने वाली तय जगह से महज 335 मीटर की दूरी पर पड़ा हुआ है। इस बीच 7 सितंबर को हुई हार्ड लैंडिंग के चलते कोई जवाब नहीं दे रहा है। विक्रम से भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो भी संपर्क करने की कोशिश में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लूनार रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर LRO जैसे ही चांद के इस हिस्से के आसमान से निकलेगा वो वहां से विक्रम की तस्वीरें भेजेगा। शायद ये तस्वीरें धुंधली भी हों, नासा ये तस्वीरें इसरो को देगा ताकि चंद्रयान 2 मिशन के विक्रम के बारे में सटीक आकलन किया जा सके। इन तस्वीरों से विक्रम की सही हालत का अंदाजा लगाया जा सकेगा। आपको बता दें कि चांद पर शाम ढलना शुरू हो गई है। 14 दिन यानी कि एक लूनार डे तक चांद पर सूरज की रोशनी रहती है और अब वहां शाम होने लगी है। नासा ने विक्रम को हेलो का मैसेज भेजा था लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया है। नासा अपनी एजेंसी DSN के जरिए विक्रम से संपर्क करने की कोशिशें कर रही है। DSN अपने तीनों सेंटर जो कि स्पेन, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में है, ये ऑर्बिटर से संपर्क तो कर पा रहे हैं लेकिन विक्रम किसी भी मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहा है। हो सकता है कि नासा का प्रोब विक्रम की कोई जानकारी दे और विक्रम से संपर्क स्थापित हो सके। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।